दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप। मैं आपका अपने चैनल टेक लाइफ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं कुछ बातें आपको रिलायंस जियो के बारे में बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे चारों तरफ फैला हुआ है कि रिलायंस हमें 3 महीने तक अनलिमिटेड फ्री दे रहा है, नेट फ्री दे रहा है, 3 महीने तक अनलिमिटेड कॉल्स फ्री दे रहा है, लोकल हो या स्टडी 3 महीने तक SMS फ्री दे रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें डार्क हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे रिलायंस का जियो सिम एक्टिवेट करने के लिए आपको रिलायंस का जियो ज्वाइन ऐप पहले तो डाउनलोड करना पड़ेगा, तब आप अपनी कॉल की सर्विसेज को डाउनलोड कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपने नॉर्मल फ़ोन से मिलाते रहिए, कॉल लगनी ही नहीं है, कॉल पॉसिबल ही नहीं लगनी। जैसे ही आप जियो ज्वाइन लाइव करेंगे, डाउनलोड करेंगे, 1977 पर कॉल करेंगे, कॉल कनेक्ट हो जाएगी। कॉल कनेक्ट होने के बाद आपकी डेटा सर्विस और आपकी कॉल सर्विस दोनों एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो भी नॉर्मल कॉल है वो आप किसी फोन पर, किसी भी अदर नेटवर्क पर अगर करते हैं तो वो जियो ज्वाइन ऐप के थ्रू ही हो सकती है, नॉर्मल फोन की तरह नहीं हो सकती है। इट मीन्स दोस्तों, आपके फोन पर डेटा चलता रहना चाहिए, यानी डेटा ही फ्री है, ना कि कॉल्स फ्री हैं। जो कॉल्स हमारी होंगी वो रिलायंस के डेटा के थ्रू होंगे। तो ये रिलायंस ने एक बात को डार्क में रखा है। अगर आपके फोन में नेटवर्क है, डेटा है, तो आप कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कॉल नहीं कर सकते हैं। खैर दोस्तों, जो भी है, फ्री तो फ्री है, यूज़ करिए, एंजॉय करिए। एक छोटी सी जानकारी लेकर मैं सुदीप आपके साथ आपको शेयर करने के लिए आया अपने चैनल पर टेक लाइफ पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं इस तरीके की छोटी छोटी जानकारियाँ आपको समय समय पर देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।